नमस्ते स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जीवीएन मिस्टर केएल नागर, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेटनरी साइंस, मेथोडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई डिजिटल क्लास। स्टूडेंट, आई विल प्रिपेयर माई दिस लेक्चर फॉर बीएससी एग्रीकल्चर फॉर 6th सेमेस्टर। माई सब्जेक्ट पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। स्टूडेंट, टुडे आई एम डिस्कस अबाउट कैनिंग कॉन्सेप्ट एंड स्टैंडर्ड। सो लेट स्टार्ट योर टॉपिक, व्हाट इज कैनिंग। कैनिंग क्या होता है? कैनिंग इज ए मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड इन विच द फूड इज ए प्रोसेस एंड हर्मेटिकली सील्ड इन कंटेनर्स ऑफ मेटल्स, ग्लास, थर्मोस्टेबल्स, प्लास्टिक्स और ए मल्टी लेयर फ्लेक्सीबल पाउच थ्रू एजेंसी ऑफ हीट। नेक्स्ट, कैनिंग प्रोवाइड ए सेल्फ लाइफ टाइपिकली रेंजिंग फ्रॉम 1 to 5 years। ऑल्दो अंडर द स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस इट कैन बी मच लॉन्गर। हीटिंग इज द प्रिंसिपल फैक्टर्स टू डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द परमानेंट सीलिंग इज टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। नाउ इंट्रोडक्शन। कैनिंग इज डिफाइंड इज प्रिवेशन ऑफ फूड इन हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर एंड यूजली इम्प्लाई हीट ट्रीटमेंट एज द प्रिंसिपल फैक्टर इन प्रिवेंशन ऑफ स्पॉइलेज। कैनिंग वाज इन्वेंटेड बाय निकोलस एपर्ट्स इन 1910, सो आल्सो टर्म एज एपिटाइजेशन एंड फूड दैट आर कैन्ड। लो एसिड फूड्स, जो लो एसिड फूड्स होते हैं उसके अंदर मीट्स, पीस, पोल्ट्री, डेयरी फॉल इन टू पीएच रेंज ऑफ 5 to 6.8। दिस लार्ज ग्रुप इज कॉमनली रिफर्स टू एस द लो एसिड ग्रुप्स। ऐसे ये एक सामान्य ग्रुप्स के हैं जिसका पीएच मान 5 से 6.8 के बीच का पीएच मान माना जाता है। इसको लो एसिड फूड के रूप में माना जाता है जिसे हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे पीस को, मीट्स को, मीट, पीस, पोल्ट्री, डेयरी आदि। इसके बाद ये एसिड फूड्स, जो एसिड फूड होते हैं उसके अंदर हम पीएच मान कितना रखा जाता है, 4.5 से 3.7, इसके बीच का जो रेंज होता है। द फ्रूट सच एज द पियर, ऑरेंज, एपिकॉट एंड टोमेटो आर क्लास। इसके अंदर हम ऐसे फ्रूट्स को रखते हैं जिसका एसिड्स 4.5 से 3.7 हो। इसके बाद हाई एसिड फूड्स होते हैं सच एज पिकल्स, जो पिकल प्रोडक्ट होते हैं एंड फर्मेंटेड फूड्स आर, उसका जो पीएच में जो पीएच रेंज होती है 3.7 से मतलब 2.3 to 3.7। आल्सो जैम्स एंड जेली आर इन दिस क्लास। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ कैनिंग। प्रिंसिपल कैनिंग के अंदर डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद इन कंटेनर बाय मींस ऑफ हीट, मतलब जो हीट के द्वारा कंटेनर में जो हीट दी जाती है एप्लीकेशन, तो उससे स्पॉइलेज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट, कैनिंग ऑफ प्रोसेसिंग। जो कैनिंग की जो प्रोसेसिंग होती है उसमें फर्स्ट में हम जो फ्लो चार्ट बनाते हैं इसके अंदर हम फर्स्ट में सिलेक्शन करते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल का, सेकेंड में हम उसको ग्रेडिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम वॉशिंग करते हैं, इसके बाद फिलिंग करते हैं, फिर कटिंग करेंगे, कटिंग के बाद ब्लांचिंग करते हैं उसको, फिर वापस ब्लांचिंग के बाद कूलिंग करते हैं, फिर उसके बाद फिलिंग करते हैं सिरप से एंड ड्राइंग से, इसके बाद उसको फिर एग्जॉस्टिंग करते हैं, बाहर वापस बाहर निकालते हैं, इसके बाद उसको फिर सीलिंग करते हैं, सीलिंग के बाद उसको प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग के लास्ट में कूलिंग और कूलिंग के बाद स्टोरेज, उसको फिर स्टोरेज प्रोसेस में लाया जाता है। फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं जो कैन मैंगो स्लाइस होते हैं उसको हम कैसे तैयार करते हैं।
फर्स्ट में हम फर्स्ट स्टेज में ड्राइप मैंगो फ्रूट्स को सिलेक्ट करते हैं, जो ड्राइप पके हुए फ्रूट्स होते हैं मैंगो के, उसको फर्स्ट में सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद वाश करते हैं, वाश के साथ फिल करते हैं। फिर इसके बाद में तीसरे सेकेंड थर्ड में आता है कट इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्लाइस के फॉर्म में। फिर इसके बाद फिलिंग करते हैं इन प्लेन कैन में विद सिरप से, जो सिरप का जो ब्रिक्स होता है 40 डिग्री ब्रिक्स एंड 0.3% सिट्रिक एसिड्स। इसके बाद एग्जॉस्टिंग करते हैं, जो एग्जॉस्ट करते हैं 82 to 85 डिग्री सेंटीग्रेड में 6 से 10 मिनट्स के लिए। इसके बाद हम उसको सीमिंग करते हैं, सीलिंग करते हैं। सीलिंग के बाद इसको प्रोसेसिंग करते हैं, जो प्रोसेसिंग जो स्टेज जो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट्स एंड कूलिंग एंड स्टोरेज। अब प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं हम कैन की। जो कैनिंग प्रोसेस में फर्स्ट में हम सेलेक्ट करते हैं फ्रूट्स को, इसमें क्या क्या मेन चीज़ फ्रूट्स के होना चाहिए। द फ्रूट एंड वेजिटेबल शुड बी एब्सोल्युटली फ्रेश, मतलब फ्रेश फ्रूट्स होना ज़रूरी है। फ्रूट शुड बी राइव बट फर्म एंड द यूनिफॉर्मली मेच्योर, एक मेच्योर फॉर्म में फ्रूट होना ज़रूरी है। एंड ओवर राइव फ्रूट्स शुड बी रिजेक्ट, जो ज़्यादा ही ओवर राइव फ्रूट्स होते हैं, ज़्यादा पके हुए फ्रूट्स, वो रिजेक्ट हो जाते हैं बिकॉज दे आर द इन्फेक्ट, वो इन्फेक्ट होने में जल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उससे इन्फेक्ट जल्दी हो जाता है, इसी कारण उसको रिजेक्ट कर देते हैं। एंड गिव ए पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट, जो ये पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट भी बनाता है। द अनराइप फ्रूट शुड बी रिजेक्ट, जो ज़्यादा भी अनराइप फ्रूट्स होते हैं उनको भी रिजेक्ट कर देते हैं। दी आर द जनरली एंड सिविलिंग इन द थ्रू आउट कैनिंग। इसके बाद में थर्ड में हम बात करते हैं कि ऑल वेजिटेबल्स एक्सेप्ट टोमेटो शुड बी टेंडर, जो सभी वेजिटेबल्स के अंदर ओनली टोमेटो को छोड़ के सब फ्रूट्स को हम टेंडर फॉर्म में यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये टोमेटो शुड बी फर्म, जो टोमेटो फर्म स्टेज में फुल राइप एंड डीप रेड कलर में होना जरूरी है अगर उसको यूज करना है तब। इसके बाद फ्रूट एंड द वेजिटेबल शुड बी फ्री फ्रॉम डस्ट, जो एक डस्ट से फ्री फ्रॉम होना चाहिए। इसके बाद हैं दे शुड बी फ्री फ्रॉम द ब्लेसिंग एंड इंसेक्ट डैमेज एंड मैकेनिकल इंजरी, ऐसे मतलब इंसेक्ट्स और मैकेनिकल एंड जो ब्लेसिंग वो मतलब डस्ट वस्ट होता है उनसे फ्री फ्रॉम होना चाहिए। इसके बाद ग्रेडिंग, ग्रेडिंग क्या होता है। दिस सिलेक्शन फ्रूट्स वेजिटेबल आर द ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू साइज एंड कलर्स, जो कलर और साइज के बेसिस पर इसको ग्रेड किया जाता है यूनिफॉर्म क्वालिटी के फॉर्म में। एंड दिस इज डन बाय हैंड, हाथ की मतलब जो हैंड के द्वारा भी उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड बाय मशीन के द्वारा सच एज द स्क्रू ग्रेडर और रोलर ग्रेडर के द्वारा भी। द फ्रूट लाइक बेरी प्लम्स एंड चेरी आर ग्रेडेड ऑल, उसको तो हम ग्रेड पूरे तरीके से ग्रेड कर सकते हैं। वाइल द पीच पियर एप्रिकॉट मैंगो पाइनएप्पल एक्सेट्रा आर जनरली ग्रेडेड आफ्टर कटिंग इनटू पीस ऑफ स्लाइस, पीस और स्लाइस मतलब कटिंग और जो पीस स्लाइस होती हैं उसके बाद उसको ग्रेड कर सकते हैं, एप्पल को, पियर को, पीच को, एप्रिकॉट को, मैंगो, पाइनएप्पल आदि को। इसके बाद वाशिंग, जो वाशिंग करते हैं मतलब वाशिंग का मतलब उसको अच्छे से वाटर में, फ्रेश वाटर में धुलाई करना उसकी फ्रूट्स की। इट इज़ द इम्पोर्टेंट इज रिमूव द पेस्टिसाइड स्प्रे, जो पेस्टिसाइड स्प्रे होता है फ्रूट्स पर तो उसे रिमूव करना, रेजिड्यू एंड द डस्ट, और डस्ट होता है उसका जो डस्ट को भी रिमूव करना। इसके बाद ये 1 ग्राम ऑफ सोयल कंटेंस 10,000 टॉल स्पोर्स और माइक्रो ऑर्गेनिज, जो 1 ग्राम सोयल होती है उसमें 1,012 स्पोर्स और माइक्रो ऑर्गेनिज पाए जाते हैं इसमें। इसके बाद हैं डियर फॉर रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज बाय द वाशिंग, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करते हैं बाय द वाशिंग, डियर वाश इज द वाटर इज एसेंशियल, इसमें भी वाटर की जरूरत होती है। द फ्रूट एंड वेजिटेबल कैन बी वाश इन द डिफरेंट वे, रूट क्रॉप्स दैट द लोसन इन सोयल, लूजन मतलब लूजन करना इन द सोयल में, एंड द वाश एंड द सोकिंग द वाटर कंटेनिंग 25 to 50 ppm क्लोरिन, जो 25 to 50 ppm क्लोरिन को यूज मतलब उसमें वाटर के अंदर डाल के और उसे वाश कर सकते हैं। अदर है जो इसका अदर मेथड्स हैं वाशिंग का, स्प्रे वाशिंग भी कर सकते हैं, स्टीम वाशिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद हैं फिलिंग, जो फिलिंग होता है
फोर्थ प्रोसेस होती है फिलिंग वाली, इसमें मतलब जो बार का कवर होता है उसको रिमूव करना। द ऑब्जेक्टिव फिलिंग इज रिमूव द आउटर लेयर। फिलिंग माई बी डन इन वेरियस वे, बहुत सारी प्रकार की फिलिंग्स होती हैं। जो फिलिंग होती है इसमें आता है फर्स्ट में हैंड फिलिंग, स्टीम फिलिंग, मैकेनिकल फिलिंग एंड लाइव फिलिंग। जो हैंड फिलिंग का मतलब तो होता है जो हाथ के द्वारा फिल करते हैं, मतलब बार का जो कवर होता है उसको, कवच को बाहर निकाल, फ्रूट्स वेजिटेबल का जो कवच होता है मतलब कॉर्क, उसको निकाल देते हैं। जो स्टीम फिलिंग होती हैं वह जो वाटर, गर्म वाटर से उसको कवच को बाहर निकालना। और इसके बाद मैकेनिकल फिलिंग, मशीन के द्वारा फिलिंग करना। लाइव फिलिंग का मतलब जो चाकू से, नाइफ से, किसी से फिलिंग करना। इसके बाद एक कटिंग, द पीस ऑफ द साइज रिक्वायर फॉर कैनिंग आर कट, सीड स्टोन एंड कोर आर रिमूव। इससे जो पीस करते हैं छोटे छोटे साइज में उससे कैनिंग के लिए, तो उसमें सीड्स, स्टोन्स और जो कोर होते हैं उसको रिमूव कर देते हैं कटिंग के टाइम पे। इसके बाद ब्लांचिंग, जो ब्लांचिंग होता है उसको हीट ट्रीटमेंट के द्वारा जो वाटर, बॉइलिंग वाटर होता है उससे फ्रूट को उसके अंदर डाल के और उसे ब्लांचिंग किया जाता है 2 से 5 मिनट्स के लिए। इसमें द ब्लांचिंग इज द यूजली डन इन केस ऑफ वेजिटेबल, द एक्सपोजिंग देम बॉइलिंग ऑफ वाटर या स्टीम फॉर 2 to 5 मिनट्स फ्लोइंग बाय कूलिंग। फिर उसके बाद उसे कूलिंग करते हैं। और इसके बाद में है ब्लांचिंग के बाद कूलिंग करना, यही है कूलिंग प्रोसेस। आफ्टर ब्लांचिंग, ब्लांचिंग के बाद ही वेजिटेबल ऑल द डिप इन द कोल्ड वाटर के अंदर डिप करते हैं फॉर बॉटल हैंडलिंग एंड कीप देम गुड कंडीशन। इसके बाद ही फिलिंग करना, जो फिलिंग प्रोसेस होती है मतलब उसको भरना, जार के अंदर भरना कंटेनर्स में। द बिफोर द फिलिंग, जो कैनिंग होती है, जो कैन होती हैं उसको भरने से पहले उसे वॉश करते हैं अच्छे से हॉट वाटर के द्वारा एंड स्टरलाइज भी किया जाता है। दो ऑटोमेटिक लार्ज कैन फिलिंग मशीन आर यूज इन एडवांस कंट्री, बट चॉइस ग्रेड ऑफ फ्रूट्स आर नॉर्मली फिल बाई हैंड, हाथ के मतलब हैंड के द्वारा उसको फिल किया जाता है। टू प्रिवेंट द ब्रशिंग एंड इन हैंड फिलिंग इन नॉर्मल प्रैक्टिस, जो अपनी इंडिया के अंदर ओनली हैंड फिलिंग ही सबसे कॉमन प्रैक्टिस मानी जाती है। इसके बाद है जो आफ्टर फिलिंग, जो फिलिंग करते हैं फिलिंग के बाद में हम सिरप से या ब्रेन से, जो ब्रेन होती हैं ब्रेन से हम उसे कवर करते हैं। कवर करने में जो हेड स्पेस होता है इनसाइड द रेंज फ्रॉम दी 0.3, जो हेड स्पेस होता है कंटेनर्स का वह कितना होना ज़रूरी है, 0.32 से सेंटीमीटर टू 0.47 सेंटीमीटर। इसके बाद है एग्जॉस्टिंग, जो एग्जॉस्टिंग होती हैं, एग्जॉस्टिंग मतलब होते हैं जो उसकी जो एयर होती है बाहर निकालना, रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम द कैन इज नोन एज एग्जॉस्टिंग। द आफ्टर फिलिंग द लीडिंग एंड क्लीनिंग, क्लिंचिंग, द एग्जॉस्टिंग इज एसेंशियल फॉर मेजर एडवांस स्टेज एग्जॉस्टिंग एज अंडर। इसमें एग्जॉस्टिंग के जो मेथड्स बताए हैं, थर्मल एग्जॉस्टिंग दैट इज नॉन एज स्टीम वैक्यूम, एंड इसके बाद है मैकेनिकल एग्जॉस्ट, उसको बोलते हैं मशीन वैक्यूम। लास्ट में बताया वह सीलिंग, जो सील करते हैं उसको कंटेनर्स को, इसमें इमिडिएटली आफ्टर एग्जॉस्टिंग, एग्जॉस्ट के बाद ही उसको सील किया जाता है। द कैन आर द सील एयर टाइट फॉर्म में उसे सील किया जाता है बाय द मीन्स ऑफ ए कैन सीलर के द्वारा। एंड इन केस ऑफ ग्लास जार ए रबर रिंग, जो रबर रिंग के द्वारा जार को मतलब एयर टाइट सील किया जाता है। एंड शुड बी प्लेस्ड बिटवीन द माउथ ऑफ जार, जो जार का जो माउथ होता है उसको अच्छे से रबर रिंग के द्वारा सील किया जाता है। एंड लीड टू एंड कैन इट कैन बी सील ए टाइट, यही है। द ड्यूरिंग द सील द टेम्परेचर शुड बी नॉट फॉल बिलो, मतलब 74 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर नहीं होना जरूरी है, नहीं होना चाहिए कंटेनर सीलिंग के टाइम पे। इसके बाद है प्रोसेसिंग के अंदर बताया द हीटिंग ऑफ फूड, हीट किया जाता है फूड को फॉर द प्रिजर्वेशन नॉन एज द प्रोसेसिंग। एंड द कैन मस्ट बी प्रोसेस हीट ट्रीटमेंट, इसके अंदर हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है।
और इसके बाद में इसमें बताया तीन टाइप के हैं, द वेजिटेटिव बैक्टीरिया आर किल, जो वेजिटेटिव बैक्टीरिया होता है उसको हम किल कर सकते हैं 80 डिग्री सेंटीग्रेड में 30 मिनट के लिए। एंड स्पोर्स फॉर्मर, जो स्पोर्स फॉर्मर होता है, कितना टेम्परेचर में स्पोर्स फॉर्मर को किल कर सकते हैं 110 डिग्री सेंटीग्रेड में 30 मिनट के लिए। और फॉर डिस्ट्रॉयड द स्पोर्स, जो स्पोर्स को डिस्ट्रॉयड करने के लिए 121 डिग्री सेंटीग्रेड्स 3 मिनट के लिए। इसके बाद कूलिंग करना, प्रोसेसिंग के बाद हम कूलिंग करते हैं प्रोडक्ट को। इसमें द इमिडिएटली आफ्टर प्रोसेसिंग दिन कैन आर द कोल्ड इन वाटर टू ए टेम्परेचर ऑफ 36 सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड में, जो 36 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के अंडर में अंडर टेम्परेचर में उसे कूल किया जाता है, टू अवॉइड द हर्मोटिक्स स्पोलेज और कैन रस्ट, जो कैन रस्ट के अवार्ड बचाने के लिए। इसके बाद है इट कैन, इफ द कैन आर द कूल मच द बिलो, अगर जब कैन का, जो कैन को हम कूल करते हैं बिलो 36 डिग्री सेंटीग्रेड में, दे माइट नॉट ड्राइड, तो इससे क्या होता है, जो ड्राइड थ्रू आउट एंड द रस्टिंग वेल रिजल्ट, जिसके अंदर जो डेजी जो होती है, मतलब एक बीमारी होती है रस्टिंग टाइप की, वो उसके अंदर डेवलप हो जाती है, ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद ही द इफ द कैन आर द केसेस एंड द टेम्परेचर मस्ट अवर 42 डिग्री सेंटीग्रेड्स, हर्मोटिक्स एंड स्पोलेज मे अकर, इससे क्या होता है, अगर उसका जो टेम्परेचर होता है कैन का, अगर 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा तो उससे स्पोलेज के भी चांस ज़्यादा रहेगा। इसके बाद स्टोरेज, इसमें द आफ्टर एट लेबलिंग, जो लेबलिंग के बाद ही कैन को हम पैक करते हैं तब उसे अच्छे से स्टोर में रखना चाहिए, जो स्टोर होता है द स्टोर वुडन केसेस या कोरिगेटेड कार्बो, जो कार्डबोर्ड कार्टून होता है उसके अंदर हम स्टोर कर लेते हैं, जो स्टोर होता है उसे कूल या ड्राई प्लेस में रखना ज़रूरी है। इसके बाद द आउटर सरफेस ऑफ द कैन शुड बी ड्राई एंड सेवरल, जो उसका आउटर सरफेस होता है बाहर का वो एक ड्राई रूप में होना चाहिए। इसके बाद है द स्टोरेज ऑफ कैन एंड द हाई टेम्परेचर, जो स्टोरेज होता है कैन को, जो कैन का स्टोरेज होता है उसे हाई टेम्परेचर में भी, हाई टेम्परेचर से अवॉइड करना चाहिए, मतलब उसे बचाना चाहिए। इसके बाद में है स्पॉयलेज ऑफ कैनिंग प्रोडक्ट, कौन कौन से स्पॉयलेज होते हैं कैनिंग प्रोडक्ट के, पहला है सॉफ्ट स्वेल एंड हार्ड स्वेल, फिर एक है फ्लिपर्स, स्प्रिंकर एंड लीकर, ये कैन, दिस टाइप ऑफ कैंस, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंस। इसके बाद कंटेनर्स ऑफ पैकेजिंग, टीन कंटेनर। इसके बाद टाइप ऑफ कैंस, जो टाइप ऑफ कैंस के पहला है थ्री पीस कैन एंड सेकेंड टू पीस कैन, सेकेंड है एल्यूमिनियम कैंस एंड स्टील कैंस। थ्री, इसके जो एल्यूमिनियम कैंस होते हैं इसमें थ्री पीस कैन भी होता है और सेकेंड पीस कैन भी होता है। इसके बाद हैं एल्यूमिनियम कैंस एंड स्टील कैंस। इक्विपमेंट यूज कैनिंग, ये कैनिंग के लिए इक्विपमेंट हैं। इसके बाद हैं स्प्रे वाश, जो स्प्रे करते हैं वाश के द्वारा, स्प्रिंग द्वारा, एंड मैकेनिकल ग्रेडर होता है ये। इसके बाद में ये पीलर्स, जो फीलर मशीन होती है, पहले है मैकेनिकल फीलर, हैंड फिलिंग एंड है इसकी लाइफ फिलिंग, ये कैन फिलिंग मशीन होती हैं। इसके बाद ये एग्जॉस्टिंग सिस्टम होता है, और इसके बाद सीलिंग सिस्टम होता है। एडवांस, थैंक यू।